खबर यूपी के कानपुर से, जहां एक अनोखा मामला सामने आया है। लड़के ने शादी से मना किया तो लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी कार में आग लगा दी। इस खबर में अलग और अनोखा एंगल ये है कि जिस लड़की ने इस कांड को अंजाम दिया वह पहले एक लड़का था। उसने लड़के से शादी करने के लिए अपना जेंडर चेंज करवाया था, लेकिन अनबन होने के बाद दोनों के बीच में दरार आ गई और बात आगे बढ़ गई थी। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला शहर के चकेरी क्षेत्र का है। यहाँ पर रहने वाला वैभव शुक्ला की 2021 में इंस्टाग्राम में मध्य प्रदेश निवासी दीप से हो गई थी। इनकी दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ गई और मामला साथ जीने मरने तक पहुंच गया। इसी बीच दीप ने बड़ा फैसला लिया और अपनी प्रेमी से शादी करने के लिए उसने अपने जेंडर चेंज करवाने का प्लान बनाया। दीप ने 2022 में ब्रेस्ट की सर्जरी करवाई और इसी दौरान अपने जेंडर भी चेंज करवा लिया। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ गई और शादी की बात होने लगी। दोनों के बीच कुछ वक्त पहले ही अनबन हो गई। इसके बाद दोनों में कोई खास बातचीत नहीं हो रही थी। इसी बीच वैभव शुक्ला ने शादी से इनकार कर दिया। इस बात का दीप का बहुत नाराज हो गया। दीप ने इसका बदला लेने के लिए प्लान बनाया और अपने दोस्त रोहन यादव के साथ कानपुर पहुंच गया। कानपुर पहुंचने के बाद दोनों में एक स्कूटी उधार ली। बदला लेने के लिए दीप और राहुल स्कूटी से वैभव के घर के पास पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्कूटी से पेट्रोल निकालकर वैभव की गाड़ी पर छिड़क दिया और उसमें आग लगा दी। इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले और दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों बस में बैठकर एमपी भागने की फिराक में थे। फिलहाल दोनों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।